हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाणा स्टेट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में और काउंसलिंग जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है उसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको। ये हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की ये वेबसाइट है और आपको होम पेज पे यहाँ आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है। इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक आपने कर लेना है और ये आप यहाँ सेकेंड पेज पे पहुँच गए। और ये आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको ये देख सकते हैं आप, एक वार्निंग ये है, चालान या ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपने फीस जमा करी है तो ही आपका जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा, वरना आपका रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपने अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपने यहाँ कोर्स का सिलेक्ट कर लेना है, अपना रोल नंबर सिलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड, और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, सबमिट करने के बाद जो भी डिटेल इसमें मांगी जाएगी वो आपको भर लेनी है और उसके बाद आपको इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में हम देख लेते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में तो दोस्तों, जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आप ये देख सकते हैं, जो 14 जून से स्टार्ट हो चुका है। और ई चालान यानी जो फीस है वो आप 14 जून से 3 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल भी शुरू हो गया है 14 जून से, और ये फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो आप ये देख सकते हैं 14 से 18 जून तक फर्स्ट जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके लिए रजिस्ट्रेशन, फिलिंग चॉइस और लॉकिंग चॉइस ये 14 से 18 जून तक आप कर सकते हैं। और जो फर्स्ट काउंसलिंग जो है, फर्स्ट काउंसलिंग जो हुई है या ये जो चल रही है, उसका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 19 जून को आएगा। ये आप देख सकते हैं 19 जून को आएगा फर्स्ट काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। और ये आप देख सकते हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग जो टाइम है, और वो आपकी है फर्स्ट जिनकी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग वालों की, उनकी 20 से 24 जून तक उनको रिपोर्टिंग करनी होगी। और ये आप देख सकते हैं जो सेकंड काउंसलिंग है वो 25 से 27 जून तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिलिंग चॉइस कर सकते हैं, फिलिंग चॉइस और लॉकिंग चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं 25 से 27 जून तक। और जो सेकंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा 28 जून को आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये पूरी डेट आप ये देख सकते हैं। और थर्ड काउंसलिंग है जो, उसका आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 से 28 जुलाई को होगा और रिजल्ट जो आएगा उसका 29 जुलाई को आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और काउंसलिंग प्रोसेस क्या है ये आप देख सकते हैं। काउंसलिंग की जो सबसे पहले जो प्रोसेस है, फीस पेमेंट का है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपको उसके बाद पे काउंसलिंग फी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी पे क्लिक कर देना है, ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड, और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका फीस का जो गेटवे पे आपको ले जाया जाएगा डायरेक्ट यहीं से, और वहाँ आपने फ़ीस जमा अपनी कर देनी है। तो दोस्तों, जो उसके बाद आपको ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, फिर आपको फी ये आप देख सकते हैं, पे काउंसलिंग फी लिंक पे आपने क्लिक किया, आपने उसके बाद अपना कोर्स सिलेक्ट किया, अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, जन्म तिथि आपने भरी, सबमिट बटन पे आपने उसके बाद क्लिक कर लेना है और काउंसलिंग जो फीस है उसका आपने भुगतान कर देना है। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फीस सबसे पहले आपने फ़ीस पे करी, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करना है होम पेज पर ही। और इसके बाद आपने जो ये लिंक है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करना है।
रोल नंबर पासवर्ड आपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर भर लेना है, सबमिट बटन क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। आपको यहाँ क्या करना है, अपने जो आपकी पसंद है, आप जो आपका जो प्रायोरिटी है आपकी, उसके अनुसार आपको कॉलेज और अपना जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो विकल्प भरे हैं उनको लॉक आपने कर लेना है। और कई बार क्या होता है कि आपने जो विकल्प लॉक किए हैं, आपने जो चॉइस आपकी जो चॉइस है आपने उसको लॉक नहीं किया, और वो फिर आपका जो है लास्ट अंतिम विकल्प आपका माना जाता है, यानी वो आपकी चॉइस मानी जाती है, उसी चॉइस के अनुसार आपको कॉलेज दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जितने भी आपको जितने भी सीट आप भर सकते हैं उस उतनी सीटें आपने भर लेनी हैं, मतलब उतने कॉलेज आपने भर लेने हैं कि उनमें से आपको जो आपकी प्रायोरिटी है उनमें से आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है, आपकी जो आपने जो फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन का उसको आपको प्रिंट कर लेना है। और जो चौथा जो स्टेप है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का, ये वेबसाइट पे ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और इसको आपने अपना रोल नंबर और पासवर्ड से आपने देखना है, रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर आदि जो भी आपके पास होगा, ठीक है। और जो आपको सीट जो उपलब्ध कराई जाएगी आपकी, आपने जो अपनी पसंद भरी होगी और उस पसंद में जो सीटें उपलब्ध रही होंगी उसके अनुसार और आपकी रैंक के अनुसार आपको सीट दी जाएगी। और उसके बाद आपने जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपने यहीं सीधे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपने अपना जो है सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, पाँचवा स्टेप है, आपने उसके बाद रिपोर्टिंग करना है अपने कॉलेज को। तो आपको जो कॉलेज अलाउट हुआ है आपने उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, और अपने सारे जो हैं डॉक्यूमेंट भी आपने ले जाने हैं साथ में, डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके पास, अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी हम आगे आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करने हैं, और घोषणा पत्र भी आपको वहाँ जमा करना होगा, और अपना जो है फीस आपको वहाँ जमा करानी होगी। और अगर आप अपने जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और किसी और को सीट दे दी जाएगी। तो दोस्तों आपको वहाँ से भी अपनी जो प्रोविजनल एडमिशन स्लिप है वो आपने उसके बाद ले लेनी है जब आप एडमिशन ले लेते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं रिपोर्टिंग टाइम के वक्त, जो आपको डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं वो डॉक्यूमेंट भी आपको बता देते हैं। तो आपको जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट नीचे हम बता रहे हैं, इनके तीन सेट आपको रख लेने हैं, फोटोकॉपी और रंगीन फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होते हैं वो आपको रख लेने हैं अपने पास। तो साथ में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं, 10वीं और 12वीं के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको रख लेने हैं, सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह, और हरियाणा DET का जो एडमिट कार्ड है वो आपको अपने पास रख लेना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो स्टेट का जो निवास प्रमाण पत्र होता है डोमिसाइल आपको रख लेना है, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, और आपने जो फीस भरी है उसकी आपको स्लिप रख लेनी है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो करंट में जो आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाई होगी वो आपको रख लेनी है, और सभी जो डॉक्यूमेंट है उनका एक एक सेट एक एक फ़ोटोकॉपी आपने रख लेनी है, एक सेट बना लेना है। तो दोस्तों ये आपका जो है डॉक्यूमेंट से जो रिक्वायर्ड होंगे रिपोर्टिंग टाइम पे। और अब आपको बता देंगे कि जो रिज़ल्ट आएगा वो कहाँ आएगा। तो दोस्तों ये नोटिस बोर्ड जो है, यहाँ आपका सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा, यहाँ इसी तरह से स्क्रॉल होते रहेंगे नोटिस बोर्ड पे, यहाँ आपने अपना रिज़ल्ट देख लेना है इसी तरह से, यहाँ इनको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ आपने आप ये होता रहेगा। और ये आपने देख लिया है दोस्तों, यहाँ से फ़ीस आप जमा कराएंगे, और फीस यहाँ से जमा कराने के बाद आपने उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका साथ में आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और जब रिज़ल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का उसके बाद यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको
इसी प्रकार की अन्य जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।